नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ एक बहुत ही यमी एंड न्यूट्रिशियस रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं शुगर फ्री न्यूट्री मोदक। इसमें मैंने कोई शुगर यूज़ नहीं करी है और ये काफ़ी हेल्दी है और इसी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे ये। तो इस गणेश चतुर्थी ये मोदक ज़रूर ट्राई करना अपने घर में। चलिए देखते हैं फटाफट कैसे बनते हैं ये मोदक। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, उसे गरम कर लिया है। आप देख सकते हो ये काफ़ी बड़ी कढ़ाई है, तो यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी साइज़ की कढ़ाई मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि सब चीज़ें मिक्स करने में थोड़ी आसानी रहे। तो इसमें मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप इसमें थोड़े से रोस्ट कर दीजिएगा जब तक कि स्लाइटली ब्राउन ना हो जाए। अब जैसे ही मेरे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट होंगे मैं इसमें थोड़े मूंगफली डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने आधा कप मूंगफली लिया है। मूंगफली मैंने ड्राई रोस्ट करके उसके छिलके सारे निकाल के इसमें मैं एक मिनट तक ही इसको रोस्ट करूंगी अच्छे से घी के साथ। और इन मूंगफली को मैं एक मिक्सर ग्राइंडर में निकाल लूँगी। इन सारे चीज़ों को जैसे कि मेरे ड्राई फ्रूट्स और ये मूँगफली मैं डायरेक्टली मिक्सर ग्राइंडर में ही इसे डाल दूँगी। इसके बाद मैंने 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। तो कोकोनट भी हम स्लाइटली ब्राउन उसको कलर आने तक उसे रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। और ये लीजिए, ये एक मिनट में रोस्ट होके रेडी हो गया है। अब इस कोकोनट को भी हम निकाल के हमारे मिक्सर ग्राइंडर में ही डायरेक्टली डाल देंगे। तो ये सब चीज़ें डाल के थोड़ा सा मोदक में एक क्रंच आएगा। अब इसके बाद मैं इसमें सफ़ेद तिल डाल रही हूँ, इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। ये मैंने 2 टेबलस्पून तिल दिए हैं। अब इसी गरम कढ़ाई में इसे हम रोस्ट कर लेंगे जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए। जैसे ही हमारे तिल अच्छे से रोस्ट होके ब्राउन हो जाएंगे हम इन्हें भी ट्रांसफ़र कर देंगे हमारे मिक्सर ग्राइंडर में। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से ग्राइंड करके रख देना है। अब मैंने यहाँ पर 1/4 कप घी लिया है इस कढ़ाई में। जैसे ही घी गरम हो जाएगा मैं इसमें 1/2 कप बेसन डालूंगी। उसी के साथ 1/2 कप बाजरा का आटा डालेंगे हम इसमें और 1/2 कप गेहूं का आटा। तो यहाँ पे मैंने 3 टाइप के आटा लिए हैं। इन सबको हम अच्छे से इस घी में मिक्स करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप क्वांटिटी ऑफ हर एक टाइप का आटा लिया हुआ है और उससे आधा यानी 1/4 कप ही हमें घी चाहिए। तो उस क्वांटिटी ऑफ घी में ये सारा अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये अच्छे से रोस्ट होने लगा है। ये जैसे ही रोस्ट होगा ये धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, उसी के साथ उसका अरोमा भी चेंज हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो आटा है वो बिल्कुल कुक हो चुका है और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर भी आ गया है। तो इस स्टेज पे मैं ये गैस बंद कर दूंगी और इसे मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र करूंगी और इसे 10 से 12 मिनट तक हम लोग नॉर्मल रूम टेम्परेचर तक इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब जैसे ही मेरा ये आटा ठंडा हो गया है आप देख सकते हो इसके ऊपर आपको घी भी दिखाई देगा। तो ये बहुत ही सॉफ्ट आटा रेडी हो चुका है। अब उसमें थोड़ा क्रंच ऐड करने के लिए जो हमने पहले सारा ग्राइंड करा था मिक्सर वो मैं इसमें सारा ऐड कर दूंगी इस आटे के साथ और इसे हम अच्छे से हाथों की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। इन केस आपके पास बाजरे का आटा नहीं है तो आप किसी भी दाल का आटा या रागी आटा इसमें यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स कोकोनट और इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आती है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे 1/4 कप ड्राई रोस्टेड मखाना लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो, लेकिन इससे हमारा क्रंच और ज़्यादा बढ़ेगा और उसी के साथ टेस्ट भी बहुत अच्छी आती है। अब जैसे ही मैंने मखाने ऐड करे हैं इसमें मैं 1/4 कप जैगरी पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास जैगरी पाउडर नहीं है तो आप नॉर्मल जो गुड़ आता है, जैगरी आती है, उसे कद्दूकस करके इसमें मिक्स कर सकते हो। तो अभी ये सब मैं ना एक लार्ज बॉल में ट्रांसफ़र करती हूँ क्योंकि उसे मिक्स करने में हमें आसानी होगी। तो ये सारा मिक्सचर मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ और ये जैसे ही ट्रांसफ़र होगा मैं हाथों की हेल्प से इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी और हमें इसका कंसिस्टेंसी चेक करते रहना है ताकि हम इसे अच्छे से लड्डू या जो हमारा मोदक का मोल्ड है उसमें हम लोग इसे शेप कर दे सकें। आप जैसे कि देख सकते हो अगर आपका आटा इस तरीके से बहुत ही ड्राई हो जाएगा तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 1 से 2 टीस्पून गरम मिल्क डालेंगे।
ज़्यादा मिल्क डालना नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा मिल्क इसमें डाल दोगे तो एक बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा, तो 1 से 2 चम्मच ही पहले डाल के आप चेक कर लीजिएगा इसकी कंसिस्टेंसी, और आप रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी तक ही इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करते जाइएगा। तो मैंने यहाँ पे से 2 चम्मच दूध ऐड किया है, और 2 चम्मच दूध ऐड करते ही ये आटा काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। और जैसे ही आटा बन जाएगा, मैंने यहाँ पे एक मोल्ड लिया है मोदक का, उसको मैंने ग्रीस किया है। अच्छे से ग्रीस करके इसमें हम आटा रखेंगे और इसे टाइटली प्रेस कर देंगे, और हमारे यमी मोदक बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो ये मैं प्रेस कर रही हूँ इसे टाइटली, और हल्के हाथों से इसे ओपन कर लीजिएगा, और आप देख सकते हैं कितने सुंदर दिख रहे हैं। और इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स और जो मखाने डाले हुए हैं वो भी थोड़े थोड़े इसमें बाहर दिख रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी है ये। फट से ये ख़त्म भी हो जाएंगे, आप जैसे ही मैं बना लोगे घर पे, तो आप इस गणेश चतुर्थी ये मोदक ज़रूर ट्राई करना। हेल्दी है, काफ़ी न्यूट्रिशियस है, और किसी को समझ में भी नहीं आएगा कि इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया है। तो जल्दी से ये रेसिपी ट्राई करिएगा अपने घर, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और गणपति बप्पा मोरिया।